रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो मैंने आपके कई पॉट देखे हुए हैं एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर एंड विद ऑब्वियसली विद टाइगर सो हियर वी आर वेरी वेरी हैप्पी आप दोनों कंफर्टेबल हो बिल्कुल भाई मैं तो सो क्या तो। है अभी <laughs> आ, मैं तो सो क्या है भाई कि मेरा पावर नैप का टाइम है यूजुअली अराउंड आफ्टरनून है ये बढ़िया है इसका काश <laughs> इतना बिजी होता सर जितना इतना बिजी मतलब तू तो, तो बिजी रहता ही है वैसा थोड़ी है तू तो कम काम कर रहा है नॉट मच यू सर ठीक है मेरी आदत है अब दोनों करते हो एक दूसरे के साथ नहीं हम लोग यूज़ली साथ में, सेम टीम में खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो सपोज ये कैप्टन हो या मैं कैप्टन हूं तो सबसे पहले टॉस जीतने का मैं इसको ले लेता इनकी फुटबॉल गेम देखी हां मैंने देखी है

अगर okay. फिल्मों में नहीं होता तो कोई स्पोर्ट्स <laughs> जरूर कर रहा होता <laughs> आप भी मैं मैं अगर फिल्मों में नहीं होता तो मैं शायद आ, आर्मी या नेवी में या एयरफोर्स में होता सच में? हाँ। प्लान यही था। प्लान बिल्कुल यही था डैडी भी आ, आर्मी में थे तो प्लान तो यही बना के रखा था कि यहाँ जाऊंगा वो फिर कहते डेस्टनी अपने आप चेंज हो गया फिल्मों में आ गए Uh, आप ये जानते हो कि क्या है ये हमने आप आप दोनों के लिए रखा है स्पेशली टाइगर के लिए हाँ. पर आप दोनों के लिए ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं ये हाँ जी क्या नाम है ये गोको है पाजी ड्रैगन बॉल करके एक एनी में बहुत फेमस है अच्छा तो उसका मेन कैरेक्टर ये सब नहीं जानता मैं वीट ग्रास जानता हूँ ओके इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्डवर्क सीखी है आई वुड ऑल्सो से कि आपसे आपके जितने भी इंटरव्यूज है हमेशा डिसिप्लिन की बातें होती है हार्डवर्क की बातें होती है आ, सच में वैसे ही हो झूठ बोलने की कोई वो तो है नहीं जरूरत तो है नहीं मुझे आज जो भी कुछ बनाया है एक ही चीज से बनाया है वो है डिसिप्लिन से मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं समझता हाँ डिसिप्लिन जरूर रखता हूं और मैं ये मानता हूं कि मैंने बात बहुत पहले एक बार है ना जितेंद्र जी की इंटरव्यू में सुना था बहुत पहले की बात है कि वो भी यही कहते थे अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है लंबा चलना है तो डिसिप्लिन प्रोड्यूसर की मदद जरूर करना बी अ प्रोड्यूसर्स मैन बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर लंबे चलोगे दस बारह फ्लॉप पंद्रह बीस फ्लॉप सब ठीक है निकल जाएगा लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ रहोगे ना और उसको तंग नहीं करोगे तो आप लंबा चलोगे ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो आप बच्चन साहब के साथ देख लो जी, जीतू साहब के देख लो और uh, कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप चिल करता हूँ मतलब माय चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स दैट इज माय चिलिंग लाइक हम ये खेल लेते हैं बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है लेकिन इसके बाद मजा आता है खेलने में वॉलीबॉल खेल लेते हैं क्रिकेट खेल लेते हैं फुटबॉल खेल लेते हैं गुल्ली डंडा खेल लेते हैं सब फुटबॉल खेला इनके साथ नहीं मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हैं खो खो कबड्डी क्रिकेट में इनकी स्किल क्या है चीज़ डैम गुड ओपनिंग बैट्समैन है ओपनिंग बॉलर है तो एक, आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर

Man, because we need four hours for that. We don't have that much time to speak, <laughs> unfortunately. But, uh, but it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. But I uh, uh, discipline is the obvious one. You know, uh, time is sir. So if he comes at eight sharp, that's when it starts. You know, you've got to start rolling because he scheduled his lifestyle so well. You know, whether it is 7 to 2 and then 2 onwards he'll have time for everything else, whether it's his exercise, yeah, dusra shift shift, yeah, meetings, or so I think time management is something that I really take back from Sir. I would say that about you also. I mean, I'm happens I need my uh, my cycle is such that I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep eight hours, then everything goes for a toss. आपके साथ पॉडकास्ट किया था तीन चार साल पहले आई फील की मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ okay. बहुत ज्यादा रिलेक्सड इन पॉजिटिव एनर्जी है आपकी आई थिंक सर या साथ में इसलिए मैं, मैं रिलेक्सड हूँ <laughs> <laughs> बड़े में है तो छोटे में तो ah. बोझ नहीं है मेरे पे

इट ब्रिंग्स इन वन डिमीनर आई थिंक बहुत सारी चीज़ें को चैनलाइज करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर रेस्टलेस इफ़ यू आर हाइपर आई थिंक मार्शल आर्ट्स यू नो चैनलाइज दैट एनर्जी एंड मेक्स यू वेरी वन वन विथ योर सेल्फ विथ नेचर ग्राउंडेड सेंटर्ड तो कम से कम मेरे लिए तो आई ट्रीट मार्शल आर्ट्स लाइक दैट फॉर मी मेडिटेशन की तरफ जी भाई जी भाई मतलब अब माइंडफुल हो जाता एक ही जगह में रहता हूँ हाँ थिंक मार्शल आर्ट जो है डिसिप्लिन जो है सेल्फ डिसिप्लिन जो है सेल्फ डिफेंस जो है uh, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीब ना करीबन लड़का हो लड़की हो तीन साल तो करना ही चाहिए एंड लॉट ऑफ विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं वो ठीक है केक्स फाइट्स ब्लॉक्स मूव्स काताज ये सब ठीक है लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप दैट इज़ वेरी असेंशल फॉर द सोसाइटी अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ